जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई भैया, अब तो सीधे टिकट कटा के आ जाना है। जी हाँ, सही सुने, जिसका इंतजार आप लोग सभी को था वो घड़ी आ गया और आप सीधे टिकट कटाइए और सीधे यहाँ थाईलैंड में आ जाइए, ठीक है ना। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे, तो अब आज का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग इसी के ऊपर बनाने वाले हैं, तो चलिए ब्लॉग को डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है राहुल और मैं हूँ अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक सिटी में। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है क्योंकि दो दिन पहले बारिश हो रहा कंटिन्यू यहाँ पे। आप लोग को सोच रहे, आप लोग यही सोच रहे हो कि धूप में बैठ कर ब्लॉग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी का जो वेदर है, वेदर सीजन आने वाला है, ठीक है ना, रेनी सीजन। तो दो दिन से बारिश जो हुआ है, वेदर बहुत ही कूल हो गया है, धूप हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई स्वेटिंग नहीं हो रहा है, एकदम मजा आ जा रहा है वेदर का। इसीलिए सोचिए आज यहाँ पर बैठते हो, यहाँ का व्यूज के साथ में आप लोग को इन्फॉर्मेटिव मतलब कि बताते हैं अपडेट्स। तो शुरू करते हैं, बहुत भाई पूछ रहे थे मतलब कि रिगार्डिंग वीजा और अराइवल के बारे में, मतलब कि अपडेट क्या है। वैसे तो लास्ट 6 मंथ से वीजा और अराइवल फ्री था यहाँ पे, लेकिन कुछ दिन से बहुत भाई लोग मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मतलब कि इसका एक्सटेंड हुआ है कि नहीं, मतलब कि और मतलब कि टाइम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो बता दें। और उससे पहले एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलेगा इन फ्यूचर में, शेयर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल पे अब बहुत ही कंटिन्यू मतलब कि अपडेट्स आएंगे, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आएंगे, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ब्लॉग को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, तो बेटर रहेगा कि आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है जो आज का। तो और भी हाँ, और एक चीज़, हाँ बहुत सारे ब्लॉग बना चुके हैं इन्फॉर्मेटिव, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक पूरा मेंशन है। थाईलैंड कैसे आए पहली बार, इंडियन कैसे ट्रैप्ड हो रहे हैं थाईलैंड में, स्कैम जॉब, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म वीजा, ये सब यहाँ पे हम मतलब कि ऑलरेडी ब्लॉग बना चुके हैं, जिसको आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाके सारा लिंक दिया गया हुआ है, आप लोग जाके देखिए बिना स्किप किए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। जी हाँ, वीजा ऑन अराइवल फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, गुड गुड है कि नहीं, गुड। 6 मंथ मतलब कि 11th November तक, इस साल का 11th November तक मतलब कि एक्सटेंड किया गया है, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर की इस बात की, आइए टिकट कटा के सीधे यहाँ पे आइए बिना पैसे दिए, वीजा फी नहीं लगेगा बिना पैसे दिए का, पैसे तो आपको देना पड़ेगा ना टिकट्स वगैरह का। तो हल्का स्वेट हो रहा है, तो चलिए बात करते इन्फॉर्मेटिव का फटाफट, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे को जाना है एक्सरसाइज करने। तो वीजा ऑन अराइवल फ्री हो गया है, 6 मंथ का एक्सटेंड कर दिया गया है फिर से 11 नवंबर तक। जो भाई लोग आना चाहते हैं यहाँ पे आ जाइएगा। कल ही हम न्यूज देखें तो मतलब कि न्यूज में दिखाया गया कि एक्सटेंडेड हो गया 6 more months, तो आइए नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एक चीज बताना चाहते हैं, मतलब कि बहुत भाई पूछ रहे थे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, अब क्या रिक्वायरमेंट होगा आने का, सेम रिक्वायरमेंट है। आप अगर नहीं पता है, मेरा पहला वाला ब्लॉग देख सकते हो जिसमें हम बता दिए हैं फर्स्ट टाइम थाईलैंड कैसे आए, उसमें सब कुछ मेंशन है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर भी आप लोग को एक बार और हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। होटल बुकिंग आपको लगेगा, जितना दिन का स्टे कीजिएगा उतना दिन का होटल बुकिंग लगेगा। सेकेंड आपका रिटर्न टिकट लगेगा ऑनवर्ड, मतलब कि आना और जाना दोनों तरफ का टिकट लगेगा। थर्ड आपको मतलब कि करेंसी दिखाना पड़ेगा, फंड आपको दिखाना पड़ेगा, सो मनी रखना पड़ेगा मिनिमम $1,000। उसके बाद आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी रहना चाहिए 6 मंथ, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, और वेल एंड गुड रहेगा अगर आपके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस है, वो कहीं से कोई भी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। हम करवाए थे बहुत पहले, मतलब कि टाटा AIG का, ये प्रमोट नहीं कर रहे, हम करवाए थे जो, वो हम बता रहे हैं आपको। बहुत सारे वेबसाइट है, थाईलैंड का भी है, AIG बोल के बहुत कुछ है, आप लोग देख सकते हो। वो ट्रैवल इंश्योरेंस रखिएगा तो वेल एंड गुड है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपके सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया। और एक चीज बता रहे हैं, जो भाई लोग आ रहे फर्स्ट टाइम, जैसे थाईलैंड सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जिनको लैंड करना है, सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे एक और नया टर्मिनल बना है, वो नया टर्मिनल बन रहा है, वहाँ उतरिए, वो भी बहुत सुंदर बनाया गया है। ट्रैवल मतलब उतरिएगा तो वहाँ वॉक करके आइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को। वो तो वहाँ उतरेंगे, मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है, क्या मेरे को सुवर्णभूमि पर उतरना था पहले वाले एयरपोर्ट पे, अभी यहाँ उतार दिया गया है, वो एक ही जगह है, कनेक्टिंग है, वहाँ उतरिएगा, वॉक करके जाइएगा, स्टेयर से उतरिएगा ना, चढ़ के जाइएगा, अराइवल का एरो देख लीजिएगा,
वो फॉलो करके जाइए, स्टेयर से उतरिए, मेट्रो है वहाँ पे बिना ड्राइवर वाला, ठीक है। तो मेट्रो पे इंसर्ट करते झुकते हैं आप लोग, वहाँ से आपको 1 से 2 मिनट लगेगा पहुँचेंगे, और जहाँ उतरिएगा सुवर्णभूम एयरपोर्ट पे निकलिएगा ना, जो गेट से मेन गेट बड़ा गेट है, सीधे इमिग्रेशन आपको दिखेगा, सीधे इमिग्रेशन में चले जाना है। सॉरी, व्यूज नज़ारा अच्छा है, इमिग्रेशन में सीधे आपको चले जाना है, वहाँ अंदर जाइए, ठप्पा लगेगा वेलकम टू थाईलैंड आपका। तो ये वेलकम गुड है, डॉक्यूमेंट्स तैयारी कर लीजिएगा पूरा। और काफ़ी दिनों से भाई लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों का मैसेज मिल रहा है, रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग को, जो रिक्वायर्ड है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दे रहे हैं, गाइड करें, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसी तरह प्यारा दुलार दीजिए ब्लॉग को, और भी सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग ट्रैवल इन्फॉर्मेशन कमेंट करके मेरे से आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। इंस्टा पे भी रिप्लाई मिलेगा आपको तुरंत, यूट्यूब पे भी मिलेगा रिप्लाई तुरंत, बेटर रहेगा इंस्टा पे मेरे को आप लोग मैसेज करेंगे तो रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, और एक भाई पूछ रहे थे ट्रैवल जब उतरेंगे थाईलैंड में तो सिम कार्ड कहाँ से लेंगे। सॉरी, सिम कार्ड एयरपोर्ट से नहीं लीजिएगा, वहाँ महंगा पड़ेगा आपको। थाईलैंड में हर जगह, मतलब कि सिटी में हर जगह 7-Eleven बोल के स्टोर है, 7-Eleven से सिम कार्ड लीजिएगा, 49 baht का, 49 baht का ट्रू सिम मिलेगा आपको, 1 week का अनलिमिटेड इंटरनेट रहेगा आपका, तो वो आप खरीद लीजिएगा, बेटर रहेगा। एयरपोर्ट से खरीदिएगा 400 baht लग जाएगा, 1000 rupees बिना मतलब का, तो ये ट्रिक लगाइएगा 49 baht का, जो ले लीजिएगा समझ जाइएगा आपने, ठीक है ना। थाईलैंड आगे कहाँ कहाँ घूमना है इसके ऊपर भी हम ब्लॉग बनाए हैं, लास्ट वाला जो ब्लॉग हम बनाए थे, मतलब जो पहली बार थाईलैंड आ रहे हैं कैसे आएंगे, उसमें सारे कुछ इन्फॉर्म किए हुए हैं, मतलब कि कैसे कैसे जाना है, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 कैसे कैसे आपको एक्सप्लोर करना है। तो आइए, किस देर, मतलब कि देर किस बात की, अब आपको वीज़ा फिर से फ्री हो गया, आइए नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। तो ये पूरा ब्लॉग आप लोग देखें, जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाए, इन्फॉर्मेशन मिला आपको, तो ब्लॉग पूरा कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताइए, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा बता दीजिएगा फटाफट, ठीक है ना, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग दे दिए, अब हम चलते हैं अपना काम वाम करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना क्या, अपना ध्यान रखिए और स्टे देसी।